राइट तो मुजाहिद साहब फिर यानी कि एक प्रोलॉन्ग्ड ही इंडेफिनेट पीरियड के लिए एक केयरटेकर सेटअप हमें मुल्क में नजर आएगा यानी एंड इलेक्शन चले गए मतलब आप आइन को जो आइन कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पीरियड है 90 डेज के अंदर इलेक्शंस वो होते दिखाई नहीं देंगे फिर आप देखें ना जो लोग इख्तदार के लिए बेताबो बेकरार थे हमारे ये जो डारों की फैमिली ये तो तमाम जो नाम थोड़ी छोटे मैं गलत ले गया जो पूरे लोग शरीफों की फैमिली वही अब यानी ये बताइए जो आपने भाई की हुकूमत में ना आए और राणा साहब एक से कई बार कह चुके हैं कि जब तक सनाउल्लाह साहब नहीं आएंगे दो शर्तें दी उनकी इलेक्शन के लिए इमरान खान साहब जेल में जाएं मियां साहब वापस आए तब इलेक्शन होंगे चले जेल में भेज दिया वो तो आराम से बैठे लेवल प्लेइंग फील्ड हो वो भी मिल गई और अब जो ये मैं जब अभी अपने भाई की हुकूमत में जो ना आए उनको हम कैसे तो करके और इनको जल्दी भी नहीं है आपने देखा ना कितने मासूमाना सराहत से कह रहे भाई इलेक्शन में अगर दो चार माह आगे बढ़ गए तो क्या हुआ नहीं हुआ यानी शर्म नहीं आती इनको इलेक्शन जो किसी मुल्क में आप देखिए तुर्की में 50 लाख लोग जो है वो सैलाब में का शिकार हुए थे 1 करोड़ घर तबाह हो गए थे बिल्कुल वहां भी तैयब अरदान ने इलेक्शन कराया और ये कितनी ये जो हुकूमती इत्तेहादी कह रहे हैं कोई हर्ज नहीं है इलेक्शन में फरवरी में हो जाते हैं मार्च में हो जाते हैं 120 दिन तो क्या फर्क पड़ जाता है राणा सनाउल्लाह साहब आपका एक आईन नहीं कानून नहीं अखलाकियात नहीं इलेक्शन कराने 5 साल